हेलो गाइस, आज से हम लोग एक डिफरेंट तरह की सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बेसिक वर्ब ऑफ टू बी को आसानी से पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो से हम शुरू करेंगे एडवांस वर्ब ऑफ टू बी, जिसमें अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में। शुड बी जिसका मतलब होता है होना चाहिए, और शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। दोस्तों आप अज्यूम कीजिए, आप मानिए आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है, राम को कॉलेज में होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे यहां होना चाहिए, मुझे वहां होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे बेईमान होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसे मेहनती होना चाहिए, मोहन को हॉस्पिटल में होना चाहिए, किसानों को मेहनती होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, मुझे इंग्लिश एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें साइबर कैफे में होना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, भारतीय नागरिकों को ईमानदार होना चाहिए, हमें अमेरिका से एडवांस होना चाहिए, हमें क्लास में होना चाहिए, उसे खंडवा में होना चाहिए, मुझे इंदौर में होना चाहिए, मुझे आपका सपोर्टर होना चाहिए, आपको मेरा हेल्पर होना चाहिए, हमें एक दूसरे का हेल्पर होना चाहिए, हमें एक दूसरे का सपोर्टर होना चाहिए, मोहन को एक्टिव होना चाहिए, मुझे क्रिएटिव होना चाहिए, आपको मैजिशियन होना चाहिए, उसे म्यूजिशियन होना चाहिए, लता मंगेशकर को फिर से जिंदा होना चाहिए, लता मंगेशकर को फिर से जिंदा होना चाहिए, आपको डांसर होना चाहिए, गणेश आचार्य को कोरियोग्राफर होना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंस आपके पास आते हैं तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? या फिर मुझे ईमानदार होना चाहिए था, अगर मैं पास्ट की बात करूं, उसे यहां होना चाहिए था, तुम्हें वहां होना चाहिए था, हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, उसे टेंशन में होना चाहिए था, हमें ओमकारेश्वर में होना चाहिए था, आपको उज्जैन में होना चाहिए था, उसे इंदौर में होना चाहिए था। अब सोचिए एक ही सेंटेंस उसके दो पैटर्न है, मुझे डॉक्टर होना चाहिए और मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आप ट्रांसलेट कैसे करने वाले हैं? तो आज इन्हीं सेंटेंसेस को, ट्रांसलेशन को हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शुड बी देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट शुड हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों गौर करिएगा स्ट्रक्चर पर। इससे पहले अगर आप लोगों ने टू बी नहीं पढ़ा है, टू बी मतलब बेसिक टू बी, जिसमें हम लोग इज एम आर, वॉज वर और विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, वॉज वर जो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, और विल बी या शैल बी जो फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है, ये उसका एडवांस पैटर्न है ना, जिसको हम एडवांस टू बी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक वर्ब मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, मुझे यहां पर बोलना है मुझे डॉक्टर होना चाहिए, मुझे मतलब होता है आई, सो आई शुड बी डॉक्टर। राम को इंजीनियर होना चाहिए, सो राम शुड बी एन इंजीनियर। हमें टेंशन में होना चाहिए, वी शुड बी इन टेंशन। अब ऐसा बोलेंगे कि हमें टेंशन में होना चाहिए, सर ऐसा भी कोई सेंटेंस बनता है? हमें टेंशन में होना चाहिए, देखिए हमें इतना प्रेशर आ गया है दिमाग पर, हमें इतना प्रॉब्लम आ गया, इसके बाद हमें टेंशन में होना चाहिए, पर हम टेंशन में नहीं है। हम बोलते ना बात करते वक्त, हमें टेंशन में होना चाहिए, पर देखो यार हम कैसे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें टेंशन में नहीं है, हमें टेंशन में होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग यूज कर लेते हैं अपने खुद के साथ, जब हम खुद से ही बात करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस यूज कर लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में पॉसिबल है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है। बस देखो, हमें टेंशन में होना चाहिए, वी शुड बी इन टेंशन। राम को प्रॉब्लम में होना चाहिए, राम शुड बी इन प्रॉब्लम। राम ने जिस तरह के काम किए उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉब्लम में तो होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम में नहीं है, ये उसका लक है ना। और जैसे राम को प्रॉब्लम में होना चाहिए, राम शुड बी इन प्रॉब्लम। मिस्टर शर्मा को एक अच्छा मैजिशियन होना चाहिए, मिस्टर शर्मा शुड बी अ गुड मैजिशियन। जैसे तुम्हें खेत में होना चाहिए, यू शुड बी इन द फार्म। तुम्हारे पापा को यहां होना चाहिए, योर फादर शुड बी हियर। मुझे इंदौर में होना चाहिए, आई शुड बी इन इंदौर। तुम्हें खंडवा में होना चाहिए, सो यू शुड बी इन खंडवा। उन्हें स्टेज पर होना चाहिए, दे शुड बी ऑन द स्टेज। स्टेज पर, ऑन द स्टेज। मुझे क्लास में होना चाहिए, आई शुड बी इन द क्लास। मुझे बच्चों के बीच होना चाहिए, सो आई शुड बी अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द चिल्ड्रन। सो आई शुड बी अमंग द चिल्ड्रन, आई शुड बी अमंग द स्टूडेंट्स, जैसे भी रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमें एक्टिव होना चाहिए, सो वी शुड बी एक्टिव। राम को क्रिएटिव होना चाहिए, सो राम शुड बी क्रिएटिव। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह अगर जैसे मैंने बोला हमें किसी जगह पर होने की जानकारी, क्योंकि वर्ब ऑफ टू बी क्या होता है, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना। जैसे अगर मुझे बोला मुझे खंडवा में होना चाहिए, सो आई शुड बी इन खंडवा, ये किसी जगह के बारे में बता रहा है कि मुझे कहीं पर होना चाहिए। अब राम को एक्टिव होना चाहिए, तो राम को कुछ होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं टू बी का मतलब क्या होता है। टू बी का मतलब होता है जो कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी दे, उसे ही हम लोग टू बी के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगर हमको इसका पास्ट बनाना है दोस्तों, तो भी हम बना सकते हैं आसानी से। जैसे मुझे ईमानदार होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट।
तुम्हें यहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर। राम को वहां होना चाहिए था, राम शुड हैव बीन देयर। हमें इंदौर में होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन इन इंदौर। मोहन को एक्टिव होना चाहिए था, मोहन शुड हैव बीन एक्टिव। मुझे क्रिएटिव होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन क्रिएटिव। मोहन को इंटेलिजेंट होना चाहिए था, मोहन शुड हैव बीन इंटेलिजेंट। हमें क्लास में टॉपर होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन टॉपर इन द क्लास। तुम्हें सिंसियर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सिंसियर। मोहन को मेहनती होना चाहिए था, मोहन शुड हैव बीन हार्ड वर्किंग। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस। मुझे साइबर कैफे में होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन द साइबर कैफे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है दोस्तों जो हम बना सकते हैं, और इसी का अगर हम लोगों को प्रेजेंट पास्ट बनाना है एक दूसरे का, मुझे डॉक्टर होना चाहिए तो आई शुड बी डॉक्टर, और मुझे डॉक्टर होना चाहिए था तो आई शुड हैव बीन डॉक्टर। राम को क्रिएटिव होना चाहिए, सो राम शुड बी क्रिएटिव। राम को क्रिएटिव होना चाहिए था तो राम शुड हैव बीन क्रिएटिव। मोहन को एक्टिव होना चाहिए, सो मोहन शुड बी एक्टिव। और मोहन को एक्टिव होना चाहिए था, मोहन शुड हैव बीन एक्टिव। है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को ओरली समझाने की कोशिश तो की सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं वन बाय वन आपको दोनों के पांचों पैटर्न समझा दूंगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो से। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत कुछ समझा भी है, वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों, आगे इससे भी इंटरेस्टिंग चीज है, आइए उसको भी समझते हैं। दोस्तों अब हम यहां पर शुड बी और शुड हैव बीन के पांचों पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं शुड बी की बात करता हूं। शुड बी जिसका मतलब होता है होना चाहिए, जिससे मुझे डॉक्टर होना चाहिए। अगर हम पांचों तरह के पैटर्न की बात करें तो अभी मैं आप लोगों को पांचों तरह के जो पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले बेसिक वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि वो चीजें समझ में आए, और ये चीजें फिर आपको हिंट से ही समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं डायरेक्ट बात करूंगा, जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए पहला सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाना है तो मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए तो क्या मुझे डॉक्टर होना चाहिए। डब्ल्यूएच पैटर्न बनाना है तो मुझे डॉक्टर क्यों होना चाहिए, और लास्ट में किसे डॉक्टर होना चाहिए। जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए तो आई शुड बी डॉक्टर। राम को टीचर मुझे डॉक्टर होना चाहिए तो आई शुड बी डॉक्टर। राम को टीचर होना चाहिए, राम शुड बी टीचर। मुझे टेंशन में होना चाहिए, आई शुड बी इन द टेंशन। तुम्हें प्रॉब्लम में होना चाहिए, यू शुड बी इन द प्रॉब्लम। मोहन को साइबर कैफे में होना चाहिए, मोहन शुड बी इन द साइबर कैफे। हमें एक्टिव होना चाहिए, सो वी शुड बी एक्टिव। राम को क्रिएटिव होना चाहिए, सो राम शुड बी क्रिएटिव। तुम्हें यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर। मुझे वहां होना चाहिए, आई शुड बी देयर। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में होना चाहिए, सो नरेंद्र मोदी शुड बी इन दिल्ली। ऐसे बनाते हैं। अब अगर एक सेंटेंस को पांचों बनाना है तो तरीका क्या होगा। जैसे मुझे क्लास में टॉपर होना चाहिए, सो आई शुड बी टॉपर इन द क्लास। मुझे क्लास में टॉपर नहीं होना चाहिए, सो आई शुड नॉट बी टॉपर इन द क्लास। शुड के बाद नॉट लगेगा और फिर बी पीछे जाएगा, सो आई शुड नॉट बी टॉपर इन द क्लास। क्या मुझे क्लास में टॉपर होना चाहिए, शुड आई बी टॉपर इन द क्लास। मुझे क्लास में टॉपर क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड आई बी टॉपर इन द क्लास। किसे क्लास में टॉपर होना चाहिए, सो हु शुड बी टॉपर इन द क्लास। हमें एक्टिव होना चाहिए, सो वी शुड बी एक्टिव। हमें एक्टिव नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी एक्टिव। क्या हमें एक्टिव होना चाहिए, शुड वी बी एक्टिव। हमें एक्टिव क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड वी बी एक्टिव। इस व्हाई इस डब्ल्यूएच वर्ड की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं ना। मुझे क्रिएटिव क्यों होना चाहिए, मुझे एक्टिव क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना, किसके साथ होना चाहिए। बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं, सो व्हाई शुड वी बी एक्टिव। और किसे एक्टिव होना चाहिए, सो हु शुड बी एक्टिव। जैसे राम को हॉस्पिटल में होना चाहिए, सो राम शुड बी इन द हॉस्पिटल। राम को हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, सो राम शुड नॉट बी इन द हॉस्पिटल। क्या राम को हॉस्पिटल में होना चाहिए, शुड राम बी इन द हॉस्पिटल। राम को हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड राम बी इन द हॉस्पिटल। किसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, सो हु शुड बी इन द हॉस्पिटल। तुम्हें यहां तुम्हें जैसे मैं बोलूं तुम्हें तुम्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सो यू शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या तुम्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, शुड यू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड यू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सो हु शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे मैं बोलूं इंग्लिश लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, सो इंग्लिश शुड बी सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश को सिंपल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, इंग्लिश शुड नॉट बी सिंपल लैंग्वेज। क्या इंग्लिश को सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, शुड इंग्लिश बी सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश को सिंपल लैंग्वेज क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड इंग्लिश बी सिंपल लैंग्वेज। अब हम लोग किसे बना नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है जिसका हु पैटर्न नहीं बनेगा। तुम्हारे पापा को बैंक में होना चाहिए, फादर योर फादर शुड बी इन द बैंक। तुम्हारे पापा को बैंक में नहीं होना चाहिए, योर फादर शुड नॉट बी इन द बैंक। क्या तुम्हारे पापा को बैंक में होना चाहिए, शुड योर फादर बी इन द बैंक। तुम्हारे पापा को बैंक में क्यों होना
होना चाहिए. सो व्हाई शुड योर फादर बी इन द बैंक, किसे बैंक में होना चाहिए. सो हु शुड बी इन द बैंक. दोस्तों यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जैसे मोहन शुड बी कलेक्टर, मोहन को कलेक्टर होना चाहिए. राज शुड बी इन द हॉस्पिटल, राज को हॉस्पिटल में होना चाहिए. ऐसे सेंटेंस यहां बनते हैं. उसी तरह अगर दोस्तों मैं शुड हैव बीन की बात करूं, जो शुड बी का पास्ट टेंस है, शुड हैव बीन जिसका आइडेंटिफिकेशन होती है होना चाहिए था, जैसे मुझे क्लास में होना चाहिए था. सो आई शुड हैव बीन इन द क्लास. राम को एक्टिव होना चाहिए तो राम शुड हैव बीन एक्टिव, है ना. मुझे प्रॉब्लम में होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन इन द प्रॉब्लम. तुम्हें क्रिएटिव होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन क्रिएटिव. ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. अब पांचों बनाना है तो कैसे बनाएंगे. जैसे मुझे बनाना है, मुझे साइबर कैफे में होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन इन साइबर कैफे. मुझे साइबर कैफे में नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव बीन इन साइबर कैफे. क्या मुझे साइबर कैफे में होना चाहिए था, सो शुड आई हैव बीन इन साइबर कैफे. मुझे साइबर कैफे में क्यों होना चाहिए था, व्हाई शुड आई हैव बीन इन साइबर कैफे. किसे साइबर कैफे में होना चाहिए था, सो हु शुड हैव बीन इन साइबर कैफे. राम को टैलेंटेड होना चाहिए था, राम शुड हैव बीन टैलेंटेड. राम को टैलेंटेड नहीं होना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव बीन टैलेंटेड. क्या राम को टैलेंटेड होना चाहिए था, शुड राम हैव बीन टैलेंटेड. राम को टैलेंटेड क्यों होना चाहिए था, सो व्हाई शुड राम हैव बीन टैलेंटेड. किसे टैलेंटेड होना चाहिए था, हु शुड हैव बीन टैलेंटेड. तुम्हारी मम्मी को पार्टी में होना चाहिए था, योर मदर शुड हैव बीन इन द पार्टी. तुम्हारी मम्मी को पार्टी में नहीं होना चाहिए था, योर मदर शुड नॉट हैव बीन इन द पार्टी. क्या तुम्हारी मम्मी को पार्टी में होना चाहिए था, शुड योर मदर हैव बीन इन द पार्टी. तुम्हारी मम्मी को पार्टी में क्यों होना चाहिए था, व्हाई शुड योर मदर हैव बीन इन द पार्टी. और किसे पार्टी में होना चाहिए था, हु शुड हैव बीन इन द पार्टी. जैसे मैंने कहा तुम्हें स्टेज पर होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन ऑन द स्टेज. तुम्हें स्टेज पर नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन ऑन द स्टेज. क्या तुम्हें स्टेज पर होना चाहिए था, शुड यू हैव बीन ऑन द स्टेज. तुम्हें स्टेज पर क्यों होना चाहिए था, सो व्हाई शुड यू हैव बीन ऑन द स्टेज. और किसे स्टेज पर होना चाहिए था, हु शुड हैव बीन ऑन द स्टेज. यहां पर दोस्तों शुड हैव बीन से रिलेटेड भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, कुछ सेंटेंस लिखे हुए. अंकित शुड हैव बीन पॉलिटिशियन, अंकित को पॉलिटिशियन होना चाहिए था, ठीक है. अंकित शुड हैव बीन इन द बैंक, अंकित को बैंक में होना चाहिए था. दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड बी और शुड हैव बीन जो एडवांस टू बी में गिना जाता है उसके सेंटेंस बनाना आसानी से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.